वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे गोरे ब्लॉग में। और आज मैं आया हूँ थेरगांव बोट क्लब में, और यहाँ पर मैं एंट्री ले चुका हूँ। 10 रुपये एक आदमी का एंट्री टिकट है, और अंदर एंट्री मारते ही देखिए ये देखो ये टिकट है। हमने 2 लोग का टिकट लिया है 10-10-20 रुपये का। और अंदर जैसे हम टिकट गेट के अंदर जैसे एंट्री मारते हैं तो देखिए खूबसूरत गार्डन दिखता है। देखिए बहुत अच्छा अच्छा यहाँ पे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, बच्चे आके बोर नहीं होंगे। अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो आपके बच्चे लोगों को खेलने के लिए बहुत अच्छी जगह है। ये देखिए, तो ये देखिए ये पूरा दिखता है यहाँ से। यहाँ से आप जाएंगे वॉच टावर है, ऐसे वॉच टावर और भी बने हैं अंदर। तो अपना अंदर चलते हैं, अंदर जाने के बाद में वॉच टावर के ऊपर से चल के फिर दिखाते हैं आपको कैसा दिखता है इस गार्डन का व्यू। और यहाँ पे दोस्तों बोट क्लब है, तो यहाँ सामने नदी है, आप देख सकते हैं। ये नदी में हम बोटिंग करने वाले हैं। तो मैं सोचा हूँ जो हम बचपन में करते थे ना, छोटी नाव होती थी चप्पू चलाते थे, वो वाला नाव आज चलाएंगे क्योंकि इसमें अवेलेबल है फिलहाल, तो हम उसी पे करने वाले हैं बोटिंग। और तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये झरना है, यहाँ पे देखो पानी गिर रहा है, वाटरफॉल मज़ा आ रहा है। इसके ऊपर भी जा सकते कि नहीं देखेंगे, अगर जा सकते तो आपको जाके दिखाएंगे। तो फिलहाल आप देखिए यहाँ पे वॉकिंग के लिए भी बना है, तो आप लोग वॉकिंग कर सकते हैं आसपास में है। इस गार्डन में कैसे आना है और आप सबको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका मैप का लोकेशन भी दे दूंगा और एड्रेस भी बता दूंगा आपको कैसे आना है। तो आप लोग यहाँ पर आके विजिट कर सकते हैं और इस गार्डन का एंजॉय कर सकते हैं इस गार्डन में। तो चलो चलते हैं, थोड़ा सा बोटिंग के बारे में पता करते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम लोग आ गए हैं वॉच टावर के ऊपर। तो आप लोग देखिए यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, कितना बेहतरीन व्यू दिखता है यहाँ से गार्डन का। आप अगर आपको पूरे गार्डन का अनुभव लेना है, यहाँ से देखना है, आपको पूरा व्यू लेना है, तो आप इस वॉच टावर के ऊपर आ जाइए और यहाँ से आपको पूरा गार्डन का व्यू मिल जाएगा। तो मेरा भैया मेरे साथ में हम लोग आज गार्डन घूमने आए तो बोटिंग करना है, इसके लिए मेन पर्पज़ हमारा बोटिंग है। तो हमने साथ में गार्डन भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो आप लोग को अगर आना है तो थेरगांव बोट क्लब सर्च करिए गूगल पे, वहाँ पे आपको डायरेक्ट मैप मिल जाएगा और मैप के थ्रू आप यहाँ पे आ सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट आप आ जाइए यहाँ पे थेरगांव में, वहाँ पे आकर किसको भी पूछेंगे तो आपको बता देगा, और नहीं तो फिर मैं लोकेशन तो डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूँगा, आप वहाँ से आ सकते हैं। तो चलो चलते हैं बोटिंग के क्लब। आपको मैं यहाँ पर वॉच टावर ऊपर से कैसा दिखता है वो दिखाने के लिए आया था। आप लोग एक सिनेमेटिक व्यू देखिए, तो सिनेमेटिक व्यू डालता हूँ अब, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं बोटिंग क्लब के टिकट काउंटर के पास में। यहाँ से हमने टिकट लिया है, 50 रुपये का एक आदमी का टिकट है। और ये लाइफ जैकेट पहनना बहुत ज़रूरी है, तो हमने लाइफ जैकेट भी ले लिया है, ये देखिए मैं भी पहन लिया हूँ। और हम चलते हैं अब यहाँ पे बोटिंग का राइड करने के लिए जा रहे हैं। चलो राइड करके आते हैं और साथ में आपको नदी का व्यू दिखाते हैं कैसा दिखता है नदी का व्यू। आओ जरा बताओ कैसा क्या करने का। पूछा हो पूरा हिल रहा है, ये हिलता है ज़्यादा मज़ा आता है, बोटिंग से ज़्यादा मज़ा इस पर आता। तो ये भाई है हमारे, हमको गाइड करेंगे, बताएंगे कैसा बोट क्या चलाना है। क्या नाम है भाई आपका? नाम दिलशाद। इनका दिलशाद नाम है भाई, यहीं पर रहते हैं आप हमेशा? हाँ, तो अभी कभी आए आप तो यहाँ से संपर्क करिए इनसे और ये आपको अच्छा गाइड कर देंगे और बता देंगे कैसा क्या करना है, ठीक है। चलो चलते हैं अभी, चलिए। साइकिलिंग क्या है ना, सेम साइकिल जैसा है, साइकिल जैसा है ना। हाँ, ये डायरेक्शन है लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। अच्छा लेफ्ट राइट, इसको इधर घुमाएंगे तो राइट में जाएगा, अपोजिट है उल्टा है। अच्छा चलो थैंक यू। तो दोस्तों अभी एकदम पास में से आप देख सकते हैं, ये देखो नदी का पानी देख लीजिए और कितना बढ़िया खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों बोटिंग चल रही है, देखो चप्पू मार, चप्पू नहीं है पैंडल मार रहे हैं हम लोग, तो चप्पू वाले लिए, चप्पू के लिए आए थे, जो चप्पू हाथ से चलाते ना उसके लिए आए थे। अच्छा लगता था जो हाथ से चलाते थे, जो हाथ से नाव चलाते थे, लकड़ी वाला नाव था ना वो वाला नाव काफ़ी अच्छा लगता था, बट अभी वो बंद हो चुका है इसलिए यही वाला लेना पड़ा आपको। पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था कि कैसा हमने बड़वेली में भी घुमाए थे, बड़वेली के अंदर भी आपको हमने बोटिंग कराया था, वहाँ काफ़ी अच्छा लग रहा था, साफ़ सुथरा लग रहा था। ये थोड़ा सा नदी साफ़ नहीं है तो इतना मज़ा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा स्मेल आ रही है, तो आपको मैं थोड़ा झाड़ के पास लेके चलता हूँ। ये देखो करीब नहीं हटके ऊपर, तो रहा थी कावट के।
तो देखो दोस्तों कैसा हम झाड़ के देखो एकदम करीब में आ गए। और अब क्या भैया राज की बात बता देते। तो दोस्तों ये कैसा है कि आज मुझे पता चला यहाँ पे, मैंने उनसे बात किया तो वो लोगों ने बताया कि अब ये जो बोटिंग क्लब है और ये जो गार्डन है अब ये होने वाला है बंद, फिलहाल एक साल डेढ़ साल के लिए ये बंद हो जाएगा। तो बंद होने का पर्पज़ मेन क्या है कि अभी ये बहुत पुराना हो गया है और यहाँ पे कुछ मेंटेनेंस करना है, इसको फिर से रिनोवेट करना है, नया बनाना है, तो इसके लिए इसको बंद करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज करके इसको फिर से नया बनाएंगे, रिनोवेट करेंगे, इसमें कुछ नए नए चीज़ें आएंगी। यहाँ पे जो पेड़ दिख रहे हैं नेचुरल है तो उसको काट पीट के आर्टिफिशियल पेड़ आने वाला है। तो क्या होगा उससे कि यहाँ पे फिर गंदगी नहीं होगी, जो पत्ते गिरते हैं इससे गंदगी बहुत हो जाती है, तो साफ़ करने के लिए मेंटेनेंस बहुत लगता है। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें हैं जो अंदर की बात है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ये बोट बंद होने वाला है, ये जो बोट क्लब है, गार्डन है, इसको फ़िलहाल साल डेढ़ साल के लिए बंद कर दिया जाएगा। और जब बंद कर देंगे तो लकीली हम लोग मतलब आज ऐसे दिन पे आए हैं कि अभी ये चालू है, फिलहाल मंडे के दिन से बोल रहे हैं कि बंद हो जाएगा। तो सोचो कि हम लोग 3 दिन पहले आ गए तो हम लोग को मिल गया है बोटिंग करने को यहाँ पे। अब जब आएंगे अगली बार जब नया बन जाएगा तब आएंगे और फुल मज़ा करेंगे, देखेंगे नया में क्या बना हुआ है, कैसा लगता है नया वाला। मैं तो आया था अपना वो नाव के लिए, लकड़ी का नाव जो रहता है हाथ से चलाते उसके लिए आया था, पर यहाँ पे वो भी बंद हो गया है। अब तो ये गार्डन भी बंद होने वाला है और गार्डन भी बंद हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें मिस हो गई, बहुत लेट आया मैं। फिलहाल आप लोग यहाँ पे अब आना नहीं क्योंकि ये जो है अभी गार्डन बंद हो रहा है, गार्डन बंद हो जाएगा कुछ मतलब नहीं है, नया जब बन जाएगा साल डेढ़ साल के बाद मैं फिर वीडियो बनाऊँगा तभी आना, ठीक है। अरे बोर्ड की राइटिंग हो गई है, आ जाओ भैया चलते हैं निकलते हैं। और इसके पीछे यहाँ पे आपको पूरा नदी का व्यू दिखेगा इस वॉच टावर से। तो फाइनली दोस्तों हम लोग गार्डन से बाहर जा रहे थे तो हमको ये झूला दिख गया, देखो भैया भी और हम दोनों भी मज़ा ले रहे हैं। कैसा लग रहा है व्यू आप बताना, मज़ा आ रहा झूला झूलते हुए। तो बोला आप लोगों से बात कर लेता हूँ और वीडियो यहीं पर एंड कर देता हूँ। तो काफ़ी अभी शाम हो गया है, 6:30 बज रहा है, अगर आप आते हैं गार्डन में तो शाम को 6:30 बजे तक इंतज़ार करिए, 7 बजे तक, क्योंकि यहाँ पे शाम के टाइम पे ना जो वातावरण ठंडा होता है ना इतना मस्त लगता है ना, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है यार। ऐसा अभी जाने का मन नहीं कर रहा है इसलिए मैं यहीं पर रुक गया हूँ, तो अगली टाइम जाएंगे दूसरे किसी गार्डन में जाना होगा। तो ठीक है, आप लोग को बताना था कि अभी जो आगे का जो वीडियो मैं अभी बनाऊँगा वो अपना रमज़ान, माह रमज़ान आ रहा है, माह रमज़ान स्पेशल वीडियो बनाऊँगा, शॉपिंग से लेकर रोज़ा इफ्तार के क्या क्या ये चीज़ें होती हैं, कहाँ पे मिलती हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ रमज़ान के अंदर। और फिर दोस्तों पूरे रमज़ान माह रमज़ान के वीडियोस बनेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना, और आप लोग भी बताना किस किस शहर से मेरा वीडियो देखते हैं और कौन कौन माह रमज़ान के बेताबी से इंतज़ार कर रहा है। तो चलो फिर मिलता हूँ माह रमज़ान की वीडियो में, तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।